हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C35 फ़ोन में आप लोग इन बैक बटन्स को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है जो मेरे फ़ोन में है, और आप लोगों को अगर चेंज करना है दूसरा बैक बटन्स यहाँ पर ऐड करना है, तो आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में कुछ दूसरा बटन है और आप लोगों को इस तरीके का बटन चाहिए जो मैंने यूज़ कर रखा है, तो आप लोग इसको कैसे सेट कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन बैक बटन्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है गेस्चर्स का, गेस्चर्स पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं एक सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, तो इस सिस्टम नेविगेशन पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बटन्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर से ढूंढने में तकलीफ़ हो रहा है और आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है सेटिंग्स, तो आप लोगों को मैं एक ईजी स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर एक सर्च का बार मिलेगा, तो इस सर्च के बार में लिख देना है गाइस आप लोगों को नेविगेशन। तो यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो मेरे फ़ोन में, नेविगेशन लिखते ही यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए ब्लिंक होगा ये वाला, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं इजीली हम इस ऑप्शन पे आ गए हैं। तो देख सकते हैं 3 बटन नेविगेशन है जो मेरे फ़ोन में फ़िलहाल है। तो अगर आप लोगों को इसको चेंज करना है तो गेस्चर बटन पर क्लिक कर दीजिए, गेस्चर बटन पर क्लिक कर दिए, गो इट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका फ़ोन जो है बटन चेंज हो गया। देख सकते हो आप लोग अभी इन बटन्स का यूसेज जो है कुछ अलग तरीके का होगा, पहले बटन जैसा नहीं होगा। आप लोगों को कुछ अलग तरीके से इसको यूज़ करना होगा। जो भी बटन्स आप लोगों को पसंद आए आप लोग इसको यहाँ पर से लगा सकते हो। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Realme C35 फ़ोन में बटन्स को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।